Hello students, let's see this question. The question says halogens show bleaching action in the presence of alkaline medium. The halogen which does not show, char options aapko given hai, iodine, chlorine, fluorine ya fir bromine, theek hai. So hum group 17 ko hum jante hain ki group 17 ke andar jo elements hote hain those are fluorine, chlorine, bromine and iodine. Iske baad bhi hote hain, ये तो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट है तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक आ गया ये. फिर आपका एस्टेटाइन भी होता है, ठीक है, इसके नीचे. उसके बाद आपका टेनेसिन भी होता है, क्लियर. बट द प्रॉब्लम इज बोथ आर रेडियो एक्टिव, बोथ आर रेडियो एक्टिव, सो उनका इंक्लूड करना बेकार है यहाँ पर. जैसे हम ग्रुप 17 में ये सिर्फ चार एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो ये चार एलिमेंट में से ऐसा कौन सा है जो अल्कलाइन मीडियम के अंदर ब्लीचिंग एक्शन शो नहीं करता. ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस पे, चाहे वो कपड़ा हो या वेजिटेबल्स हो या कलर्स हो, इनका जो कलर होता है ना उसको डीकलराइज करना, ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन बेसिकली वो होता है. तो दो टाइप के ब्लीचिंग एक्शन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग. सो इनमें से जो ऐसा है जो अल्कलाइन मीडियम में नहीं करता, दैट इज योर फ्लोरीन. सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. इसमें से जो बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट का एक्शन शो करता है दैट इज क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और थोड़ा सा लीस्ट जो होता है वो आयोडीन शो करता है और अल्कलाइन मीडियम में करेगा. आयोडीन क्या करेगा? अल्कलाइन मीडियम में करेगा, जबकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन सिंपली वाटर के अंदर भी कर देते हैं, राइट. सो आपका अब जनरल जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो आपका इस एनायन की वजह से होता है जिसको हम हाइपो हैलाइट कहते हैं, दैट इज नोन एज हाइपो हैलाइट. सो हाइपो हैलाइट क्या हो जाएगा आपका? ओ एक्स माइनस. यहाँ पर एक्स क्या हो सकता है आपका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है. यानी कि ओ एफ माइनस, ओ सी एल माइनस, ओ बी आर माइनस एंड ओ आई माइनस. सो ओ सी एल माइनस, ओ बी आर माइनस तो ये वॉटर के अंदर डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं. ओ आई माइनस क्या करता है? अल्कलाइन कंडीशन के अंदर क्या करेगा आपको? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, क्लियर. बट आपका जो ओ एफ नेगेटिव है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है. बेसिकली जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एसिड है एच ओ एफ, दैट इज रियली वेरी अनस्टेबल. दैट इज द ओनली ऑक्सो एसिड विच इज नोन, राइट. और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही डिकम्पोज हो जाता है और एक्सप्लोसिव होता है, कोरोसिव होता है. इस वजह से ब्लीचिंग एक्शन शो नहीं कर सकता. सो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.